तो बहुत टाइम से सोच रहा था कि कहीं घूमने चलते हैं, तो फिर गूगल किया तो एक जगह मिली बोधगया, जो कि देखने पर पता चला कि बिहार में है, मेरे घर से लगभग 1500 किलोमीटर दूर। वैसे बोधगया में इतना स्पेशल है क्या? एक्चुअली ये वही जगह है जहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे सुप्रीम नॉलेज ली थी। इसी क्यूरियोसिटी के चलते बिना सोचे समझे चल दिया मैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। तो तकरीबन 35 घंटे की जर्नी कोलकाता एक्सप्रेस की एक जनरल डिब्बे में कर कर मैं पहुंच गया बोधगया, द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज्म। वेलकम टू बिहार। इस वक्त ना मैं बिहार के गया में हूँ, तो मेरे को लगता है ना जहाँ पर मैं अभी हूँ तो वो गया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, क्योंकि मैं वहाँ पर था उस साइड इन इलाकों में, और मैं किसी मंदिर में आया हूँ, शायद ये बुद्ध देवता का मंदिर है। भाई देख लो ये लिखा हुआ है, बुद्ध स्टैचू इज डोनेटेड बाय हो थिक यू चैन जी जी, वही इन सब के नाम लिखे हुए हैं, और ये इसी साल बना है, 2023 में ही बना है, ये काफ़ी अच्छा है। अब हम जा रहे हैं एक काफी प्राचीन मंदिर विष्णुपद। यहाँ पर एक्चुअली कैमरा भी अलाउड नहीं था, लेकिन मैं छुपाकर कैमरा ले आया। तो अब मैं हूँ बोधगया में, मेरे सामने ठीक पीछे भगवान बुद्ध की मूर्ति है, स्टैचू है बनी हुई, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी स्टैचू है। लगभग इसकी हाइट मेरे ख्याल से 80 फीट कर होगी, 80 फीट हाइट होगी इसकी। बोधगया ही वही जगह है जहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध ने असीम ज्ञान की प्राप्ति की थी बोधि वृक्ष के नीचे। यहाँ पर बुद्धिज्म का कल्चर ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर काफ़ी लोग दूर से आते हैं, जैसे कि वियतनाम से, थाईलैंड से, जापान से। यहाँ पर काफ़ी बुद्धिज्म मोनेस्ट्रीज भी देखने को मिलेंगी। यहाँ का जो मेन टेम्पल है वो है ये महाबोधि टेम्पल, लेकिन यहाँ फोन अलाउड नहीं है।